लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन के निर्देशन में बाकरीवार स्थित पंचायत भवन में नारी चौपाल एवं महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं उपखंड अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने आंगनवाड़ी एवं अन्य महिलाओं को लोकसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी लोग आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। इसी तरह से ऐसे पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित हैं, जो आज भी निकटतम मतदान केंद्र से बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर जल्द से जल्द मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। महिला अधिकारिता विभाग के कार्यवाहक उप निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा कि मतदान करना मौलिक अधिकार है, अतः स्वयं भी मतदान करें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिले में महिला मतदाताओं का प्रतिशत बहुत ही न्यून है, अतः नवविवाहिताओं एवं ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है, उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़ाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी वोटर मतदाता पर्ची के अलावा 11 अन्य दस्तावेज से भी मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस मौके पर परचेता प्रभा सोलंकी एवं बीएलओ चैन सिंह राठौड़ ने उपस्थित महिलाओं को निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान की शपथ दिलाई, जिससे उन्होंने बताया कि वे लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अपूर्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर CDPO मधु कुमारी, सुपरवाइजर सुमन जाधव, विशनमल भंडारी, विक्रम सिंह परियार, गिदरलाल भवानी सिंह बाटी आदि मौजूद रहे। पाली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ राजस्थान।